तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 8/12/2022 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट अपलोड है, दोनों मीडियम में कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। साथ में 29 नवंबर और 5 दिसंबर की जो असेसमेंट आई है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से प्री बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं, फाइनल में भी ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कमेंट चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा, ऑल्सो फाइंड द मीडियन यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। अनुभाविक सूत्र, जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल सूत्र, का उपयोग करके माध्यक भी ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों चीज़ें हमें निकालना है, ठीक है ना, मीन, मोड और मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यक, ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता यानी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे लिख लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं यानी मोड, क्योंकि इसमें कोई भी बॉक्स नहीं बनता। तो ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल बारंबारता लिख ली गई है, इंग्लिश मीडियम वाले CIF लिख लेंगे, ठीक है ना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। तो सेम सबसे पहले आपको ये जो बारंबारता है इस पर फोकस करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उस पर फोकस करना है बहुलक के लिए। तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 16, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो बिगेस्ट नंबर है उसको आपको मान लेना है F1, क्या मानोगे F1, उसके जस्ट ऊपर आपका होगा F0, उसके जस्ट नीचे F2, मतलब कि ये लाइन से हो जाएंगे F0, F1, F2, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो फिर से देखो एक बार, सबसे बड़ा नंबर आपका क्या हो जाएगा F1, उसके जस्ट नीचे F2, उसके जस्ट ऊपर वाला F0, तो लाइन से बन जाएगा F0, F1, F2। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके जस्ट सामने वर्ग अंतराल में चेक करना, जो नंबर दिखेगा उसमें जो छोटा नंबर होगा 2 से 4, तो छोटा नंबर 2 है, वो क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा L, ये दिमाग में रखना, ठीक है। H निकाल लो, H के लिए आप चाहो 4 में से 2 घटा दो, या 6 में से 4 घटा दो, या फिर 8 में से 6 घटा दो, गैप सेम निकलेगा 2, तो 4 माइनस 2 आ गया। यहाँ तक समझ में आया, अब इसका फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, उसके बाद में H, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करो, L कितना रखोगे, 2 आ गया, प्लस F1 आपका है 16, माइनस F0 आपका है 5 बटे में 2F1, 2 × 16 माइनस F0 5 माइनस F2 आपका है 13, H पे आ गया 2, मतलब इसकी वैल्यू रख दो जहाँ पर जो भी है, ठीक है। आगे देखो, सॉल्व करो इसको, अब 2 पे 2, 16 में से 5 जाएगा 11, 16 से 2 से गुणा करो, 16 में 32, -5 -13, -, प्लस 13 5 18, ब्रैकेट बंद, 2 आ गया, ठीक है ना। फिर से हम 2 + 11, 32 में से 18 घटा दो, 14, ब्रैकेट हटाओ, गुणे का निशान लग जाएगा, हाइट है 2, आगे 2 पे 2 प्लस 11 का 2 से गुणा हो जाएगा 22/14, 22 में 14 से भाग करो आप, कितना आ जाएगा 1.57, 2 में जोड़ लो तो 3.57 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 3.57, ये क्या आ गया बहुलक, ठीक है। तो बहुलक हो गया, अब हम निकाल लेते हैं माध्य, ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुलक इसलिए पहले निकाले क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का बॉक्स नहीं बनाना है। माध्य के लिए फिर से सेम वही लिख लो, वर्ग अंतराल बारंबारता सेम लिख लो, तो ये बारंबारता को मान लेते हैं FI, ध्यान रखना। तो हम निकालते हैं XI कैसे निकालेंगे, 0, 2, मतलब 0 + 2/2, इसको आधा करेंगे तो 2/2 बराबर आया 1, कितना आ गया 1,
ठीक है, ऐसे चार दो छः, तो छः का आधा करोगे मतलब बटे दो, दो तीन छः, तीन आया, ऐसे आगे छः चार दस का आधा पाँच, छः आठ चौदह का आधा सात, दस आठ अट्ठारह का आधा नौ, दस बारह बाईस का आधा ग्यारह, या फिर दो निकाल लो, जीरो से दो इसका आधा किया एक, दो से चार छः, छः का आधा तीन, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एक और तीन के बीच में दो का गैप है, दो प्लस करते चलो, तीन आया, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल लेना। उसके बाद में अगला बॉक्स बनता है एफ आई एक्स आई, एफ आई क्या आपका पाँच, एक्स आई क्या एक, तो मतलब इनका गुणा करना है, पाँच गुणे एक, पाँच एकम पाँच, फिर सोलह गुणे तीन, सोलह तीन अड़तालीस, तेरह गुणे पाँच, तेरह पच्चे पैंसठ, सात गुणे सात, सत्रह सत्रह उनचास, पाँच गुणे नौ, पाँच नौ पैंतालीस, चार गुणे ग्यारह, ग्यारह चौक चौवालीस, ठीक है। अब इसके बाद में एफ आई इसको जोड़ना है, सिग्मा लगा के एफ आई लिख दो और टोटल पाँच सोलह तेरह सात पाँच चार जोड़ लो, आ जाएगा पचास। इसी प्रकार एफ आई एक्स आई है तो यहाँ सिग्मा लगा के एफ आई एक्स आई लिख लो और उसके बाद में पाँच अड़तालीस पैंसठ उनचास पैंतालीस चौवालीस जोड़ोगे दो सौ छप्पन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये टोटल किया गया तो पचास आया, ये टोटल किया गया तो दो सौ छप्पन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माध्य बराबर यानी मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई दो सौ छप्पन इसकी वैल्यू रख दी गई, सिग्मा एफ आई पचास इसकी वैल्यू, डिवाइड कर लो दो सौ छप्पन अंदर पचास बाहर, भाग कर लेना कितना आ जाएगा आपका पाँच दशमलव एक दो, ठीक है, पाँच दशमलव एक दो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो बहुलक में आपने वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग किया था ना, तो आंसर कितना आया था आपका तीन दशमलव पाँच सात, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये जो वर्ग अंतराल दो से चार के बीच में लाया था ना, तो जो आंसर निकलेगा दो से नीचे नहीं होगा, चार से ऊपर नहीं होगा, इसके बीच का ही होगा, तो वही आंसर आया था, ठीक है, तीन दशमलव पाँच सात जो कि दो और चार के बीच में है, अगर कम ज़्यादा हो रहा है तभी समझ लेना गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने बहुलक निकाल दिया, ठीक है, और ये आपका माध्य आ गया, ठीक है, माध्य में बॉक्स बनाना था इसीलिए इसको बाद में निकाला गया। अब हमें माध्यक निकालना यानी मीडियन, तो कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला अनुभाविक सूत्र से, तो दिमाग में रख लेना तीसरी चीज़ जो हम निकाल रहे हैं अनुभाविक सूत्र से निकालेंगे, अगर आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तब भी आंसर वही निकलेगा और इस फॉर्मूले से भी यही निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला उपयोग करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, ठीक है ना, अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखो ध्यान से अनुभाविक सूत्र क्या होता है, यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है ना, ये होता है आप या की मात्रा लगा लेना अनुभाविक सूत्र। तो फॉर्मूला होता है इंग्लिश मीडियम वाले मोड बराबर तीन मीडियन माइनस टू मीन, ठीक है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन, हिंदी मीडियम वाले बहुलक बराबर तीन माध्यक माइनस दो माध्य, फॉर्मूला लिख लेना, इसकी वैल्यू रखो बहुलक, बहुलक कितना निकाले हो, बहुलक की वैल्यू रख दो, बहुलक आपका है तीन दशमलव पाँच सात, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया तीन दशमलव पाँच सात, तीन माध्यक माइनस दो माध्य, माध्य कितना निकाले हो मीन 5.12 रख दिया गया, दो गुणे पाँच दशमलव एक दो, आगे सोल्व करो तो तीन दशमलव पाँच सात बराबर तीन माध्यक माइनस पाँच दशमलव एक दो को दो से गुणा करो दस दशमलव दो चार आ जाएगा, ठीक है, माइनस दस दशमलव दो चार इधर भेजोगे तीन दशमलव पाँच सात की तरफ प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस जोड़ोगे तो आ जाएगा माध्यक बराबर, इसको जोड़ने पर आएगा तेरह दशमलव आठ तीन और माध्यक बराबर तीन बटे में हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड करोगे चार दशमलव छः जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मीडियन यानी कि माध्यक आ जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जहाँ जहाँ पर माध्यक है यहाँ पर आप मीडियन लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आनुभाविक सूत्र है, ध्यान रखना इससे मीडियन आ गया, तो मतलब इसमें तीनों चीज़ निकाल ली गई, मोड मीडियन और मीन, ओके, माध्य माध्यक बहुलक। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।